गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट सम फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फार्मूला मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है, तो अब हम कुछ नया फार्मूला की ओर जाएंगे, कुछ नया फार्मूला देखेंगे कि किस प्रकार का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 तक फॉर्मूला शायद हो चुका था, फॉर्मूला नंबर 26 है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो सकता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला और भी है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और सेम 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये तीनों का तीनों फॉर्मूला tan 2 tan इनवर्स x का ही है। तो अगर हम 26 नंबर प्रूव कर सकते हैं, तो अगर 26 नंबर फॉर्मूला इस फॉर्मूला को प्रूव करने का कैपेसिटी है हमारे अंदर, तो रेस्ट जो भी ये दो फॉर्मूला है ये भी आराम से प्रूव हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना, हम देखेंगे कि कैसे प्रूफ होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, प्रूफ ये 26 का हम प्रूफ कर रहे हैं। अगर हम एक प्रूफ करेंगे तो इसी के बेस पे सारा का सारा प्रूफ होगा। मान लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, तो इस तरह से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा होता है तो थीटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब यह जो हमारा 26 नंबर फॉर्मूला है, इसके RHS में हम जाएंगे, RHS का यूज कर रहे हैं। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, tan थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कहीं ना कहीं sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, ये क्लास 11th का फॉर्मूला है, क्योंकि 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा। अब हम देख सकते हैं कि पीछे sin इनवर्स है और यहाँ sin है, तो ये हमें क्या देगा, ओनली 2 थीटा। अब हमारे पास क्या आएगा, 2 थीटा। अब हम देख सकते हैं कि 2 और थीटा, थीटा की जगह पर क्या है दिया हुआ, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हमारा प्रूफ हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, और इस प्रकार से हमारा जो भी प्रूफ करने वाला था वो प्रूफ हो चुका है, यानी 2 tan इनवर्स x जो हमारा LHS में था वो वैल्यू हमारे सामने में है। तो इसे ध्यान से देख सकते हैं आप कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से हम RHS को लेकर के चले हैं, RHS को देखते हुए मेरा LHS प्रूफ हो चुका है। अब हम फॉर्मूला नंबर 27 फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। 27 नंबर फॉर्मूला क्या है देखते हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा, जहां पे RHS है इस RHS के जगह पर थोड़ा सा बदलाव होगा, यानी 27 नंबर अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसे हम उसमें माने थे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यहाँ पर भी वही चीज रहेगा, x इक्वल टू tan थीटा होगा, और यहाँ पे जो मेरा RHS है वो चेंज हो जाएगा। तो जब RHS में क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है। और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो cos इनवर्स से cos जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा व्हिच इज इक्वल टू 2, थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x, प्रूफ हो चुका है। कितना आसानी से प्रूफ हो रहा है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी मेरा प्रूफ करने वाला है LHS 2 tan इनवर्स x, वो हमारे सामने में है। तो अब एक फॉर्मूला और बचा हुआ है रेस्ट, 28 नंबर, जिसका अभी हम डिस्कस कर रहे थे।
28 नंबर फॉर्मूला में क्या है, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम आरएचएस में चलेंगे तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 2x यानी 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 2 टैन थीटा अपॉन ये हो जाता है टैन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब टैन इनवर्स से टैन जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा है यहाँ पर, थीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे टैन इनवर्स x, यानी ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है 2 टैन इनवर्स x, ये भी हमारा LHS में है। यानी तीनों का तीनों फॉर्मूला जो है वो 2 टैन इनवर्स x इक्वल टू है और प्रूफ करने का तरीका सेम। यानी अगर आप एक फॉर्मूला को प्रूफ कर पा रहे हैं तो ओवरऑल तीनों का तीनों फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है तीनों, ध्यान रखेंगे इस तीनों फॉर्मूला को, बार बार जरूरत पड़ेगा ये। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास 3 टेन इनवर्स x, अब इसे प्रूफ करना है। तो 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम अब प्रूफ करना चाहेंगे। इसको प्रूफ करने से पहले मान लेते हैं टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा, सही है x इक्वल टू टेन थीटा। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं 11th क्लास से, वी नो दैट एक फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, टेन थ्री थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री टेन थीटा, यानी थ्री और टेन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे एक्स, तो थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, सही है। अब क्या होगा, यह जो टेन है उसे अगर उस साइड ले जाएंगे तो थ्री थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब चूंकि थीटा थीटा की जगह पर हम क्या माने हुए हैं टेन इनवर्स एक्स, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पर रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, यानी थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ध्यान से देखेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से हमने प्रूफ किया है इसको। तो आप भी जरा सीखिए सही से कि कैसे आपको प्रूफ करना है इस चीज को। अब 30th नंबर फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब इसे प्रूफ करके दिखाना है कैसे प्रूफ होगा। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ साइन इनवर्स के टर्म में ही कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब 11th क्लास में जाइए, फिर 11th में एक फॉर्मूला यूज किया गया था ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में है साइन थ्री थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से अगर हम थ्री थीटा लिखें तो ये साइन उधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। अब देखते हैं जरा थ्री थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा, फिर साइन थीटा के अगर हम क्या लिखेंगे एक्स, तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ बिल्कुल ही सिंपल है और दो लाइन में प्रूफ हो चुका है। तो थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, यही हमें प्रूफ करना था और इसको प्रूफ करने के लिए 11th क्लास का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी 11th के फॉर्मूलाज हैं ट्रिगोनोमेट्री के, खास करके सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए, तभी आप सही से प्रूफ कर पाएंगे, अन्यथा प्रूफ करने में परेशानी होगी, साथ ही साथ क्वेश्चन भी बनाने में दिक्कत हो सकता है। तो यही हमारा प्रूफ था साइन थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर साइन क्यू एक्स।
तो इस तरह से आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अभी बताना बाकी हैं, तब तक के लिए थैंक यू।